हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सौम्या आर सिंह ऑफिशियल और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में। यस ऑफ कोर्स, एक स्टोरी जो कि एक पर्टिकुलर चीज के बारे में है जो हर किसी के घर में पाया जाता है। आप जानना चाहते हैं वो क्या है? ऑफ कोर्स मैं बताती हूँ। सो इन टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक। मैचस्टिक तो हर किसी के घर में पाया जाता है, मगर क्या आपको उसका हिस्ट्री पता है? तो आइए चलिए जानते हैं उसकी हिस्ट्री के बारे में। एक्चुअली अगर बात की जाए मैचस्टिक की हिस्ट्री की, तो ये इसकी हिस्ट्री काफी साल पुरानी है, यानी कि तकरीबन आज से 5000 साल या उससे भी ज्यादा साल पहले एंशियंट इजिप्ट में एक छोटे से पाइन वुड के पीस को सल्फर में डिप करके मैचस्टिक बनाया जाता था। फिर थोड़ा टाइम बाद यानी कि एक मॉडर्न मैचस्टिक बनाया गया, दैट इज अब से 200 साल पहले, जिसमें कि हम इस्तेमाल करते थे उस वक्त उसके हेड को कॉम्पोजिशन मैचस्टिक के हेड के लिए, जिसमें कि एक छोटे से वुड में सुटेबल कोई वुड लेके उसके ऊपर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, व्हाइट फॉस्फोरस, कुछ ग्लू की मदद से उसको उस स्टिक के हेड पे स्टिक कर देते थे और उसका इस्तेमाल जब उसको रब करते थे किसी रफ सरफेस पे तो वो फायर पकड़ता था। लेकिन पता है उसका एक साइड इफेक्ट भी था। ये ना ही सिर्फ उस वर्कर के लिए डेंजरस था, बल्कि वो लोग जो इस्तेमाल कर रहे थे उनके लिए भी। क्यों आपको पता है? क्योंकि उस मैचस्टिक के हेड में मौजूद व्हाइट फॉस्फोरस वो काफी डेंजरस था। यस, उसका एक साइड इफेक्ट है वो ये, बर्न तो कर जाएगा इजिली, बट उसका साइड इफेक्ट ये है कि वो रूम टेम्परेचर पे काफी तेजी से आग पकड़ सकता है। तो इसको बनाने में कई वर्कर्स की जान को खतरा भी और जो यूज कर रहे हैं उनके लिए भी, है ना। तो फिर अब क्या हुआ, उसमें थोड़े से चेंजेस लाए गए और अब के मैचस्टिक जो आप यूज करते हो उसके हेड की कॉम्पोजिशन जो होती है उसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड होता है, व्हाइट फॉस्फोरस को वहां से हटा दिया गया। और जो उसका डब्बा होता है, मैच बॉक्स होता है, उसके साइड में आप देखना एक रेड रेड कलर का जो सरफेस होता है उसके अंदर पाउडर ग्लास और साथ ही साथ रेड फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया गया। जी हाँ, रेड फॉस्फोरस जो कि व्हाइट फॉस्फोरस के कंपैरिजन में लेस डेंजरस होती है। और जब इस एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड से बने हुए मैचस्टिक के हेड को उस मैच बॉक्स के साइड सरफेस जो कि बना हुआ था पाउडर्ड ग्लास और रेड फॉस्फोरस से, उस पर रब करते हैं तो रब होने पर जो रेड फॉस्फोरस है वो कन्वर्ट होता है व्हाइट फॉस्फोरस में और वो रिएक्ट करता है पोटेशियम क्लोराइड के साथ। व्हाइट फॉस्फोरस पोटेशियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो इतने ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है कि वो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को इग्नाइट करा देता है, जिसके वजह से मैचस्टिक में जो है आग पकड़ लेता है और फिर हम किसी भी चीज को आग लगा सकते हैं या फिर जला सकते हैं। ठीक है, तो इन दिस वे द कॉम्पोजिशन ऑफ नाउअडेज मैचस्टिक इज मेड अप ऑफ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, खुश रहें।